Pleased to welcome you again to this segment that we call as WordPress Ke Superheroes. But I'm very excited for this particular episode because in this, I'm making you meet one of my very close friends, Kashif, who's not just a WordPress entrepreneur, but is also a WordPress freelancer and also a WordPress agency owner. Kashif, kaise hain aap? Bahut shukriya, main theek hoon, aap kaise hain? Zabardast. And Kashif ke bare mein, there's a lot to tell because Kashif is someone I've known for quite some time. इन्होंने वर्डप्रेस में डिफरेंट तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल दैट यू कैन कॉल एज अ हार्ड कोर कोडर एज वेल. और वर्डप्रेस पे ये डिफरेंट तरह का काम करते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे. और साथ ही साथ ये वर्डप्रेस की एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है जिसको हम कहते हैं वर्ड कैंप. सो काशिफ के मुँह से यू विल ट्राई टू लर्न मोर अबाउट वट ही इज़ बीन डूइंग इन द वर्डप्रेस फील्ड. तो काशिफ, थोड़ा सा हमें बताइएगा, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारी ऑडियंस को, कि आपका वर्डप्रेस का जर्नी शुरू कहाँ से हुआ और आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं ई रोज़गार के साथ एसोसिएटेड हूँ एज मास्टर ट्रेनर, वो भी फॉर वर्डप्रेस. और जर्नी मेरी एक हसीन इत्तफाक आप इसको कह सकते हैं कि मेरी जर्नी भी इसी इदारे से स्टार्ट हुई जो डिजी स्किल्स के पीछे है. उस वक्त इसका नाम होता था नेशनल ICT एंड R&D फंड. तो वो 2007 में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, उसमें आई गॉट एडमिशन इन फास्ट यूनिवर्सिटी. उससे पहले अगर मैं अपने सोसाइटी या अपने बैकग्राउंड जिस माहौल में था वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ तो स्टूडेंट की सक्सेस ये समझी जाती थी कि उसको अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे एडमिशन मिल गया, इलेक्ट्रिकल में, पेट्रोलियम एंड गैस, या दो तीन जो नॉन शोबे थे उनमें अगर आपको एडमिशन मिल गया तो यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर गॉन, यू आर फेल. बट जब मैं पास में मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ जा कर मैंने रियलाइज़ किया कि दुनिया गोल ही नहीं है, बहुत बड़ी भी है. तो आई वॉज़ इन सेवन्थ सेमेस्टर जब एक दिन कुछ स्टूडेंट्स आपस में बैठे लैब में डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक रात में हमने 40,000 अर्न किए. तो दैट वॉज़ क्वाइट अ बिग अमाउंट इन दोज डेज फॉर अ स्टूडेंट कि एक रात में 40,000 रुपये. आई वॉज़ लाइक वाओ एंड हाओ. तो एंड उस हाओ का जो आंसर था दैट वॉज़ फ्रीलांसिंग का तो पता चल गया कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसे बना सकते हैं. हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि जब एज ए स्टूडेंट वो अपना बर्डन जो है वो खुद अफोर्ड करे. तो मैंने आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. उस वक्त मैंने ओडेक्स पे प्रोफाइल बनाई. तो जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता था वो मैं इन्वेस्ट करता था फ्रीलांसिंग में. आफ्टर 2 वीक्स आई गॉट अ प्रोजेक्ट, बट वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे जो टेक्निकली आई वॉज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग जिस लेवल का वो प्रोजेक्ट था. वो मैंने ले तो लिया, I was lucky enough to win that project, but technically मेरे skills इतने नहीं थे. वो फिर मैंने client से excuse कर लिया कि मैं इसको नहीं कर पा रहा. फिर मैंने कहा कि जो मेरी अपनी इस वक्त जो मेरी capability है, जो skills हैं, उनको use करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ. फिर मैंने projects देखना शुरू किए कि उस वक्त जो Odesk होता था, जो अब Upwork है, तो उस पर किस किस्म के projects आते हैं. फिर मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि WordPress एक ऐसी चीज़ है जो इसके बहुत सारे projects हैं और सिंपल projects हैं, छोटे projects हैं. फिर मैंने WordPress डाउनलोड किया, तब 2.7 था, डाउनलोड किया, उसको मैंने इंस्टॉल किया, उस पर मैंने एक टेस्ट वेबसाइट बनाई और उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग ऑन WordPress. उसके ग्रेजुएशन के बाद आई मूव टू लाहौर फ्रॉम कराची. 2 साल मैंने जॉब की, लेकिन उन 2 सालों में मैंने रियलाइज़ किया कि जिस तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही होती है उस तेज़ी से एम्प्लॉय जो है वो उसकी ग्रोथ नहीं होती. प्रोफेशनल भी कह लें और अगर आप फाइनेंशियल हिसाब से भी कह लें तो उस हिसाब से नहीं होती. आप जितनी भी इफ़र्ट पुट करें दैट गोज़ टू योर एम्प्लॉयर. तो देन आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए. फिर आई फाउंडेड मैश प्रोस जिसमें मैंने फुल टाइम फ्रीलांसिंग शुरू की, अपनी एक रिमोट टीम बिल्ड की. देन आई स्टार्टेड ऑफरिंग वर्डप्रेस मेंटेनेंस सर्विसेज. उसके बाद मैंने वर्डप्रेस में एज ए प्लगइन्स कंट्रीब्यूट करने शुरू किए फ्री में. अभी रिसेंटली मैंने 2018 में आई बिकेम कोर कंट्रीब्यूटर ऑफ वर्डप्रेस. कोर कंट्रीब्यूटर वो होता है जिसने वर्डप्रेस जो ओरिजिनल है उसमें कोई कोड की कंट्रीब्यूशन की हो.
उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग में आई एम वेरी थैंकफुल टू सारा तारिक गिलानी, आई वाज इन टेकअप एट दैट टाइम. उन्होंने कहा कि यू आर अ वेरी गुड डेवलपर, आप बहुत अच्छा वर्डप्रेस से अर्न कर रहे हैं, आपकी एक कंपनी भी है, व्हाई डोंट यू टीच अदर्स हाउ टू डू द सेम. तो उसके बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग भी स्टार्ट की थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पी आई टी वी एंड टेक हब. एंड उन्हीं दिनों में फिर मैंने वर्डप्रेस मीटअप स्टार्ट किए. एंड वर्डप्रेस मीटअप लाहौर का चैप्टर जो है पाकिस्तान का पहला चैप्टर था जो ऑफिशियली वर्डप्रेस के मीटअप चैप्टर में इंक्लूड हुआ था. उसके बाद हमारा वर्ल्ड कैम्प लाहौर भी अप्रूव हुआ. रिसेंटली वी हैड वर्ल्ड कैम्प कराची, वी हैड वर्ल्ड कैम्प इस्लामाबाद, और अभी इंशाल्लाह 2019 में भी 3 से 4 वर्ल्ड कैम्प देखने को मिलेंगे. ज़बरदस्त काशिफ, एक क्वेश्चन जो मैं हर यहाँ पे सुपर हीरो जो बैठे होते हैं उनसे पूछता हूँ कि आप वर्डप्रेस कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछूंगा. वो ये है कि जब आपको क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं टू आस्क यू टू अ सर्टेन प्रोजेक्ट, किस तरह के क्वेश्चन आप यूजली तौर पे अपने क्लाइंट से पूछते हैं जिससे आपको उस प्रोजेक्ट के स्कोप का आइडिया होता है? और ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसके बाद फ्री लांसिंग ट्राई करेंगे अपनी ज़िंदगी में. तो क्लाइंट को किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे उसकी प्रोजेक्ट के स्कोप का आइडिया हो? आप से जब कोई क्लाइंट रीच आउट करता है प्रोजेक्ट के लिए, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू यूजुअली आस्क? अच्छा, एक तो होता है कि आप क्लाइंट आपको रीच आउट करे कि ABC टास्क है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है. आप उस टास्क से रिलेटेड सवाल पूछें कि आपने क्या करवाना है, टेक्निकली आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. मेरी जो अप्रोच होती है मैं उसकी बिगर पिक्चर क्लाइंट से लेता हूँ कि आप करना क्या चाह रहे हैं. एक तो ये प्रोजेक्ट है, ये स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है आप, मैं इसको कर दूंगा, लेकिन आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं. फिर आई ऑफर सजेशंस क्लाइंट्स को. और बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एक कह लें कि आप वो 10 रुपये का होता है, लेकिन वो जब पूरी बिगर पिक्चर डिस्कस करते हैं तो दैट एंड अप इन लाइक 10,000, 10 रुपये से 10,000. क्योंकि क्लाइंट को भी पता चलता है कि ये बंदा जो है सिर्फ इस टास्क को एग्जीक्यूट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये पूरा एक मुझे सोल्यूशन बना के देने में इंटरेस्टेड है. सो दैट गोज. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट काशिफ ने यहाँ पे बताया, विच आई वांट टू रीइटरेट, टू ट्राई टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर रादर देन जस्ट अ डेवलपर जो कि एक काम कर देगा, बिकॉज दैट कैन ओपन अप डोर्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर यू. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन काशिफ मैं आपसे पूछूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है उनको डिजिटल टूल्स के बारे में बताएं, वो टूल्स जो आप डेली यूज़ करते हैं, आइदर वर्क ऑन वर्डप्रेस, हो सकता है कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन्स आप यूज़ करता हो, हो सकता है कुछ प्लगइन्स आपने खुद बनाए हो जो आप यूज़ करते हो, साथ ही साथ कोई एक्सटर्नल टूल्स लाइक जीमेल, कैलेंडर, स्लैक, व्हाट आर द डिजिटल टूल्स दैट यू यूज़ इन अ डेली लाइफ? टूल्स के लिए एज अ डेवलपर मैं जो यूज़ करता हूँ वो है आपकी एटम एज एन एडिटर, और उसके बाद वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो डीबग बार जो होता है वो आपको वर्डप्रेस की एडमिन जो बार है उसमें एज अ डेवलपर अगर आपको कोई एरर्स आ रहे हैं तो वहीं पे आपको शो कर देता है, आपको डीबगिंग में जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऑन दी गो पता चल रहा होता है कि इसमें साइट में कुछ मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं. उसके बाद फाइलज़िला आई यूज़ टू ट्रांसफ़र वेबसाइट टू सर्वर. उसके बाद गूगल के जो भी डॉक्स के जो भी आ जाते हैं, फॉर्म्स हो गए, गूगल कीप है आजकल फॉर टेकिंग नोट्स, एंड देन आई यूज़ स्मार्ट शीट्स, जो क्लाइंट्स लॉग इन शेयर करते हैं आई यूज़ स्मार्ट शीट्स टू सेव दोज, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट होता है कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, आपको लॉग इन्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो स्मार्ट शीट्स जो होते हैं उसकी प्रोजेक्ट के टास्क और उसके साथ लॉग इन सेव करने में बहुत सारी मदद करता है. उसके बाद मैं एक डिवेलपर जब डीपली किसी टास्क में इन्वॉल्व होता है तो उसको अपनी टू डू लिस्ट चेक करना भी भूल जाता है, इतना कभी कभी वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया हुआ है, क्रोम का एक एक्सटेंशन है मोमेंटम के नाम से, तो वो आपकी टास्क लिस्ट बन जाती है. जैसे ही आप कोई न्यू टैब खोलते हैं कोई साइट टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर आपकी टू डू लिस्ट नज़र आ जाती है आपको, मतलब वो बार बार वो चीज़ नज़र आती है और उसके साथ एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड होता है. तो एक तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, टू डू लिस्ट आपको बुरी नहीं लगती, इनकेस आपको बहुत टाइट शेड्यूल हो रहा है तो वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस बना हुआ होता है. उसके बाद फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैं ट्रेलो, असाना और बेस कैम्प यूज़ करता हूँ. उसके साथ साथ जैसा कि मैं वर्डप्रेस की मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफर करता हूँ, तो जैसे ने कहा आपने कहा कि आपने अपना भी कोई सोल्यूशन बनाया होगा, तो जैसे मैनेज वर्डप्रेस है तो वो है कि आप एक ही जगह वर्डप्रेस की सारी साइट्स की चेक कर सकते हैं, कोई किस में क्या प्लगइन अपडेट होना है, किस में कितने थीम अपडेट होने हैं, किस में कोई सिक्योरिटी इशू है,
तो वो मुझे काफ़ी कॉस्ट कर रहा था फॉर क्लाइंट्स, अगर मैंने उसको वाइट लेबलिंग के साथ यूज़ करना था। तो मैंने उसको एक अपना कस्टम सॉल्यूशन बनाया हुआ जिसमें मैं सारे क्लाइंट्स की साइट्स ऐड कर लेता हूँ और एक इन वन लॉगिन वहाँ पे मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है कि किस साइट में क्या चीज़ अपडेट होने वाली है। वाओ, एंड कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन द वर्डप्रेस कम्युनिटी ओवरऑल एंड यू हैव बीन वन ऑफ द की पीपल जो कि वर्डकैंप पाकिस्तान में लेके आए। हमारे पार्टिसिपेंट्स को इधर बताएं वर्डकैंप के बारे में, वर्डकैंप क्या है, ये ग्लोबल कम्युनिटी कैसे लर्निंग में हेल्प कर सकती है एंड हाउ द पीपल वॉचिंग हियर कैन बिकम अ पार्ट ऑफ वर्डकैंप। वर्डकैंप कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होते हैं। वर्डप्रेस के जो लोकल कम्युनिटी के जो एक्टिव लोग होते हैं वो आपस में मिलके एक वन डे या टू डे या थ्री डे कॉन्फ्रेंस कराते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट टॉक्स होती हैं, डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं और इसका सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि सारा ऑल वॉलंटियर वर्क होता है, किसी को कुछ इसका पे नहीं किया जाता। जो फाउंडेशन है कुछ हिस्सा वो डालती है थ्रू ग्लोबल स्पॉन्सर्स और बाकी आपको जो उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे बियर करते हैं वो आपको लोकल स्पॉन्सरशिप्स रेज करनी होती है। उसमें फिर आप कम्युनिटी को देखते हुए, हर वर्ड कैंप यूनिक होता है फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप कम्युनिटी को देखते हुए कि इस वर्डप्रेस कम्युनिटी में किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग चीज़ें हैं जो नई हैं जो लोगों को नहीं पता, उस तरह की उसमें वर्कशॉप्स, टॉक्स और एक उसमें फिर कंट्रीब्यूटर डे होता है जिसमें सारे मिलके न्यूबीज जो वर्डप्रेस कोर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन उनको उसका प्रोसेस का पता नहीं होता, तो सारे एक जगह मिलके एक ही जगह पे, जैसे कोई कोवर्किंग स्पेस है, कोई लैब है, वहाँ बैठ के एज अ होल कुछ कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर वर्डप्रेस। जबरदस्त। एंड द लास्ट क्वेश्चन बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट योर एडवाइस टू द यंग पीपल आउट देयर। काफ़ी लोग आपको देख के शायद थोड़ा सा डर रहे हो कि ये तो डेवलपर हैं, ये तो पता नहीं कौन सी चीज़ बना लेते होंगे जो मुझे नहीं आती, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर पीपल आउट देयर हु एस्पायर टू बी यू, जो आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, जो आपसे मोटिवेट होना चाहते हैं। आपकी क्या एडवाइस है टू ऑल द यंग पीपल वॉचिंग कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? व्हाट मैसेज डू यू हैव? तो सबसे पहले तो वर्डप्रेस को एक छोटा सा टूल समझा जाता है कि आप इससे ब्लॉग बना सकते हैं या एक बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस इज़ नॉट जस्ट अ बेसिक टूल, बट इसको आप एक वेबसाइट बनाने के लिए स्विस नाइफ समझ सकते हैं कि आप जो चीज़ आप चाहेंगे वो उसमें से निकल आएगी। आपने कम्युनिटी साइट बनानी है, आपने ई लर्निंग साइट बनानी है, आपने ई कॉमर्स बनानी है, आपने मेंबरशिप पोर्टल बनाना है, आप कुछ भी सोचें यू कैन डू दैट विद वर्डप्रेस। और लाजमी नहीं कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आप फ्री कर सकते हैं, आपको बगैर कोडिंग पे भी इतने रिसोर्सेज और इतने प्लगइन्स इवन फ्री में सब कुछ अवेलेबल है कि आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोडिंग भी आती है तो यू कैन इन्जॉय इट मोर। और बाकी जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, जो मैं एज ए पब्लिक स्पीकर फॉर वर्डप्रेस डिफरेंट वर्कशॉप कराता हूँ या मेरा ई रोज़गार के साथ जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो यूथ है उसके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने नोट की है कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। एज अ फ्रीलांसर यू हैव टू बी वेरी पेशेंट कि वो देखते हैं, जैसे रोल मॉडल है, मैंने आपको देखा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं साद हामिद बन जाऊँ, लेकिन मैं खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, आप खड़े हैं टेंथ फ्लोर पे, मैं चाहता हूँ कि ओवरनाइट मैं क्लाइम करके टेंथ फ्लोर पे आ जाऊँ, बाकी फ्लोर जो है वो मेरे स्किप हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और हर स्टेप पे आपको उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो पेशेंस रखें। और दूसरा मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने मुझे एक चीज़ मतलब पीस ऑफ एडवाइस दिया था कि जो भी चीज़ आपको आपके पास आ जाती है तो हस्बे तौफीक वो दूसरों में बांटना शुरू करें एंड यू विल इन्जॉय द रिज़ल्ट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस एडवाइस पे अमल करता हूँ, मैं जो भी मेरे पास नॉलेज होती है आई शेयर दैट वाया कम्युनिटी वर्क, वेदर इट्स वर्ड कैम्प, वेदर इट्स सम इवेंट्स और या फिर फ्री प्लगइन्स हो गए या कोर कंट्रीब्यूशन हो गए या ओनली या फिर एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन क्या हो सकती है कि आप किसी को उसके टास्क में हेल्प कर दें या एक एडवाइस दे दें एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग द रिजल्ट्स। ज़बरदस्त Kashif, thank you so much. I can relate to this because I remember when I reached out to you once, you were actually one of those people who helped me out. And aapki ye jo SNS advice hai, sabr aur share, ye bahut zaruri hai because that is what
young people need to do. Sabar rakhein, patience rakhein, because freelancing or working with WordPress online work, isme aapko patience rakhni padti hai. And saath hi saath, do not forget to share. Not just financial sharing, but also sharing your knowledge, sharing what you have learned. So, saath saath humare is journey ka part rahein. I hope you keep learning from each other. You keep learning from the bigger community that we have. And don't forget to be a part of WordCamps. Probably at one of these WordCamps, you will reach out to Kashif and you will learn not just from him online, but hand to hand. So let's together try to learn from each other and make Pakistan the number one country in the global digital economy.